अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय टेक एंड ट्रिक चैनल। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह अडोबी शॉप की मदद से आप लोग किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दो इमेजेस अवेलेबल है जिनका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखाया है। तो सिंपली हम चलते हैं जो तीन टूल्स मैं आपको अडोबी फोटोशॉप के बताने लगा उनकी तरफ। जो हमारा पहला टूल है वो है लासो टूल। अब लासो टूल जो है हमें फोटोशॉप के लेफ्ट बार में टूल बार के अंदर सेकंड नंबर पर मिल जाता है। इसकी मदद से आप लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं जो कि क्विक सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल में आप लोग बहुत इजीली सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को लेकिन 5 to 10 मिनट के अंदर उसे खत्म कर सकते हैं उसका बैकग्राउंड। जो हमारा लास्ट है वो है मास्किंग। मास्किंग में आप लोग 5 to 10 सेकंड के अंदर अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आप लोग को अभी प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके उधर आप लोग को मैं समझाता हूँ। जी तो हम आगे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ सिंपली हम लोग अपने Adobe Photoshop को ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन किया, ये एक इमेज है, इसका हम बैकग्राउंड इस पिछला आपको मैंने सारा टेक्स्ट इस पे समझाया। तो अब सिंपली हम एक और न्यू इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और इधर से हमने अपनी वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये एक इमेज है, उसके पीछे का बैकग्राउंड है, उसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हमारे पास काफ़ी टूल्स होते हैं Adobe Photoshop में, लेकिन मैं आप लोग को सारे टूल्स बताऊंगा, लेकिन जो सबसे अच्छा टूल होगा वो भी आपको बताऊंगा जिससे आप कम सबसे कम टाइम में कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं मैजिक टूल लेता हूँ और मैजिक टूल से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो उसके जितने भी क्रीप क्रीप पिक्सल्स होंगे सेम कलर के उन्हें पिक कर लेगा। और अगर आप शिफ्ट और नेक्स्ट जगह पर टैप करेंगे तो वो अल्टीमेटिक सारों को पिक करता जाएगा। यानी आप लोगों ने शिफ्ट को प्रेस करना है और एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके साथ ही दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे तो पिछली सिलेक्शन ख़त्म हुए बगैर अगली सिलेक्शन भी अटैच हो जाएगी साथ में। उसके लिए आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। तो सिंपली आप इस तरीके से सिलेक्शन को सारी कर लेते हैं। जैसे ही ये देखें, अब मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा है और जितने बीच में डॉट्स वगैरह तो उन सारों को मैं जैसे ही सिलेक्शन वाले टूल से क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए, मैं एक रफ से सिलेक्शन करके दिखाऊंगा और एंड पे आपको जो इजी सा टूल है उससे आपको प्रॉपरली बता दूंगा। लेकिन आप लोग को बेसिक्स भी पता होने चाहिए, तो आपको ये टूल्स भी होने चाहिए क्योंकि कहीं जगह पे मास्किंग या ये दूसरे टूल्स नहीं यूज़ होते, वहाँ पर ये टूल्स अच्छे से वर्क कर लेते हैं। लाइक आपने इमेज का सिर्फ एक छोटी सी ऑब्जेक्ट को ही रिमूव करना है तो आप यकीनन ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि उनसे कम टाइम में आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ से मैंने सिलेक्शन ले लिया। जैसे मैं इसका सारा सिलेक्शन ले लूँगा, अगर मैं बैक स्पेस करता हूँ तो भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, जो जो ऑब्जेक्ट हमने ली हुई है वो रिमूव हो जाती है। और अगर मैं रेजर्स की मदद से, आपको मैंने बताया था रेजर की मदद से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपली मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ तो यहाँ से उतने सिलेक्शन ये सिलेक्ट कर लेगा। आप लोगों ने सिर्फ बैकग्राउंड के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। देखिए मैं इसे सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट हैं उसके इर्द गिर्द हमने अच्छे से सिलेक्ट कर लेने हैं ताकि हमारी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली रिमूव हो जाए। देखिए मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो जितने जितने सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो सारी रिमूव हो चुकी हैं। तो अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ सारा और अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं जिससे आप लोग ईजिली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल कर लेते हैं और आप लोग जो ब्रैकेट होती है एंटर के ऊपर ब्रैकेट, उससे आप लोग इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सिंपली इसे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे जो मिड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने इसको नहीं यूज़ किया वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। सिंपली ये देखिए इसने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करके जैसे ही मैं बैक स्पेस या फिर रेजर टूल की मदद से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। ये देखें क्लियरली इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। लेकिन हमारे पास और भी टूल्स हैं जिनकी मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन ये टूल्स भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए कि ये भी सिलेक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं और इनसे सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी इमेज में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो जहाँ पे वो टूल ना वर्क कर रहा हो आप दूसरे टूल को यूज़ कर सकें, क्योंकि Adobe Photoshop ने भी ये सारे टूल्स किसी मकसद के लिए ही दिए हैं। तो आप लोग इस टूल को भी साथ साथ समझें। तो अब हम इधर से ये हो गया, अब ये देखें मैजिक टूल हमारा हो गया था, क्विक सिलेक्शन टूल भी हमारा हो गया। अब आ जाएँ लासो टूल पे। लासो टूल पे आपको क्या करना होता है, इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन लेनी होती है। लाइक ये लाइंस, जैसे मैंने आपको बताया था ये लाइंस होती हैं, बैक स्पेस करेंगे तो वो जो बैकग्राउंड जो पिछली लाइन होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी, नेक्स्ट क्रिएट हो जाएगी। सिंपली मैं अगर इसकी सिलेक्शन लेता हूँ इससे, जो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर किसी स्केयर या किसी प्रोडक्ट की सिलेक्शन लेना चाहिए वो इसकी मदद से ले सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट स्केयर में, रेक्टेंगल में या सर्कल में ही होती है, तो आप लोग उसकी मदद से ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सेलेक्ट मास्किंग, जैसे अपने ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन है और मास्किंग पे क्लिक करेंगे तो आप लोग
के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोग को ये सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी, रेडियस वगैरह दिए जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास टूल है, अगर जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो वो उतने उतने पिक्सल के ऑब्जेक्ट को ले रहा है। अगर आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को सॉरी लो या कम करें, ज़्यादा हाई या लो करेंगे तो वो सिंपली आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा उससे भी, यानी उनका कलर कॉन्ट्रास्ट तेज़ हो जाएगा, तो जिसकी मदद से वो सिलेक्शन ईजी हो जाएगी। तो मैंने ये देखे सिंपली सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ये देखें, बल्कि आपको मैं पहले और एडिशन दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे इमेज को अगर आपने एडिट करना हो उसका बैकग्राउंड, तो लाइक दिस आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट होगी, अगर आपने अपनी इमेज के पिक्सल्स को और अच्छे से चेक करना तो आप ब्लैक एंड वाइट करके तो थोड़े बहुत जो पिक्सल ऊपर नीचे होंगे आप उन्हें रेज़र की मदद से रेज कर सकते हैं। अब हम इसे बैक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके रेडियस वगैरह है, जितना आपने हाई करना है, स्मूथ करनी है इमेज को, वो आप लोग स्मूथ कर सकते हैं। इनके जो साइड्स के पिक्सल होंगे वो स्मूथ हो जाएंगे, शार्प करने हैं शार्प कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इन्हें स्मूथ पे भी सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके का बटन प्रेस करता हूँ तो आपके सामने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो इसकी मदद से सिंपली आप लोग अपनी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और अपनी मर्जी का बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आप लोग को हम और भी टूल्स के बारे में बताएंगे फोटोशॉप के। और ये अब डाउनलोडिंग का मैं बता देता हूँ, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेट मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो आपने इसे अगर इमेजेस में लेना है तो आप JPG या PNG में इसे सेव कर सकते हैं।